स्टूडेंट्स आम आज क्लास टेनर जी दीघात समीकरण पाठ सी पाठ तो आरम्भ पाठ तो नाम से दीघात समीकरण और यह चार नम्बर पाठ फोर्थ चैप्टर इतना दीघात समीकरण पढ़ार आगते खाली तुम लोग लगे तुम लोग जान लगे दीघात बहुपद विषय गति के प्रथम दीघात बहुपद विषय आलोचना करम तार पास दीघात समीकरण ले जाए दीघात बहुपद मैं लिखी लैसो तुम लोग लिखी जबा लगते दीघात बहुपद दीघात बहुपद माने हय कि तुम लोग एक्चुअली द्वितीय पाठ तो पाइसिला द्वितीय पाठ तो दीघात बहुपद विषय भलको उल्लेख आसे तथापि मैं आको एबार कह दी जी दीघात बहुपद से दीघात बहुपद आदर्श आर्हि तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी जो आम लिखूँ तैयार के लिखीम ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इतना इतना एक्स तो कि एक्स तो चलक तार पास ए बी सी एनिटा ये तीन कि आनता आिको तीन वास्तव संख्या खाली तुम लोग कथा मन कर दीघात बहुपद जो हबले प्रथम जी वास्तव संख्या आज अर्थात ए तो कि हम नून्य हम नैन नट वि इकुअल टू जिरो इतना ए शून्य के लिए हम नारे कथा तो आम चाह धरी लिया दीघात बहुपद जी आदर्श आर्हि आम भल्क लिखी ललो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इतना मैं जो एर मान तो शून्य धरी लो तो कि हमको गई पे जिरो इंटु एक्स स्क्वेयर प्लस बी इंटु एक्स प्लस सी ये जो हमले यार नेक्स्ट स्टेप तो आम पागे आम अक पागे बी एक्स प्लस सी कारण शून्य एक्स स्क्वेयर पूरण करो शून्य हो जाए बी एक्स प्लस सी जो आसे तैयार ए तो दीघात समीकरण तो हम नारे सरी दीघात समीकरण नीघात बहुपद इतना दीघात बहुपद हम पारे दीघात बहुपद हम ही नारे कारण यार मात्रा तो किसार मात्रा तो गति के मैं जो दीघात बहुपद कौन तुल हम सही कारण दीघात बहुपद जैसे आदर्श आर्हि तो लिखा है अर्थात ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी आदर्श आर्हि तो लिखिले तक आम लगे आम दो कथा लिख लगे प्रथम तो ए बी सी संख्या तीन वास्तव संख्या वास्तव संख्या ए जी संख्या आए तो जिको वास्तव संख्या हम पे खाली कि हम नारे शून्य हम नारे इतना इं गई पे आम दीघात समीकरण तो पाँच यू दीघात बहुपद आदर्श आर्हि ए बी सी वास्तव संख्या और ए शून्य समान हम नारे ये हो गल इतना आम जो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इकुअल टू जिरो दिल ये दीघात बहुपद आसे समान चीन दी पे जैसे शून्य दिल्ली समीकरण हो गल यू समीकरण ये समीकरण तो आम कब लगे आम कब लगे दीघात समीकरण दीघात समीकरण इतना दीघात समीकरण आदर्श आर्हि तो यू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इकुअल टू जिरो जो एक्स तो चलक ए बी सी तीन कि हम ए बी सी तीनटा जिको वास्तव संख्या जिको वास्तव संख्या खाली खाली आम एट कथा मन रख लगे जे इत जी ए आसे एर मान तो शून्य हम के नारे यार कटाम दीघात समीकरण उदाहरण दीबले जा उदाहरण जो दीबले जाऊँ तुम लोग सबा कटाम उदाहरण दी मैं इतने प्रथम उदाहरण तो दी धरी ला टू एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स प्लस वन इकुअल टू जिरो एक्स स्क्वेयर थको लगभ सही कथा मन रखा एक्स स्क्वेयर थको लगे खाली एक्सर घाट दुईतक बेसि हम नारे मानने एक्सर आटाइक उच्चतम घाट तो हम लगे दुई ततको जो कम थे प्रब्लेम ना कम इतना थको पे कि दुई थे सेकेंड बेलेग एट मैं धरी ला माइनास फाइव एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स इकुअल टू जिरो यू हम कारण एक्स स्क्वेयर तो आसे तीन नम्बर
नाइन एक्स किूब प्लास फोर एक्स प्लास वान इकुअल टू जिरो यू जो सात कि हम सबा एक्सर उच्चतम घाट तो तीन आसे जो एक्सर उच्चतम घाट तो तीन आसे यू दीघात बहुपद हम सरी दीघात समीकरण हम नारे तार पास और एट दी फोर एक्स प्लास फाइव इकुअल टू जिरो इतना जो चाँव इतना फोर एक्स प्लास फाइव यू तो दीघात बहुपद नए यू जो दीघात बहुपद नए इकुअल टू जिरो दियार पास यू दीघात समीकरण कब पारिम जानू यू आम दीघात समीकरण कब नो तार पास और जो उदाहरण दीबले जाऊँ धरी ला धरी ला पाँच नम्बर इतना दूँ टू एक्स स्कुर इकुअल टू जिरो इतना यू दीघात समीकरण है कारण इतना एक्सर जी उच्चतम घाट आए तो दुई है समान चीन दी शून्य दूसरा समीकरण तो है तैयार यह समीकरण तो दीघात समीकरण हम तार पास छः नम्बर और दिल फाइव एक्स माइनास एट प्लास एट एक्स स्कुर इकुअल टू जिरो तुम लोग चुना भल्के चलक आस एक्स आस गम पाई कि चलक उच्चतम घाट तो दुयो आसे समीकरण तो आम कब लगे दीघात समीकरण कब लगे तुम लोग प्रथम अनुशीलनी तो एकदम प्रथम प्रश्न तो आसे किसान समीकरण तुम लोग विधवा आसे समीकरणखिर पर तुम लोग उलिया लगे कौनबूर समीकरण दीघात समीकरण है कौनबूर समीकरण दीघात समीकरण नए तो तुम लोग धरी ला एट प्रश्न दिया प्रथम तो दी थो एक्स प्लास वान होल स्क्वायर इक्वल टू टू इंटू एक्स माइनास थ्री एने के दिल इतना यू आम सरल करल कर मानने इतना जीखिन पद आस गोटेखी भलको उलिया पेलम यूक गति के एक्स प्लास वन होल स्क्वायर भांग लगे एक्स प्लास वन होल स्क्वायर मैंने अल्टिमेटली ए प्लास वि होल स्क्वायर फर्मुला ए प्लास वि होल स्क्वायर फर्मुला तुम लोग निश्चय जाना ए प्लास वि होल स्क्वायर जैसे लिखो इक्वल टू कि है ए स्क्वायर प्लास ट्वाइस ए वि प्लास कि बी स्क्वायर है गति के आम इतो एप्लाई लगे एक्स प्लास वन होल स्क्वायर मानने हम एक्स स्क्वायर प्लास टू एक्स प्लास वन और ये टू इंटू एक्स कि टू एक्स और टू इंटू माइनास थ्री कि माइनास सिक्स हो जाए थकाखिनि ये लम जीतु यू सैडे आम शून्य राख लगे ये इफे आनीम एक्स स्क्वायर लिखिल प्लास टू एक्स प्लास वान लिखिल प्लास टू एक्स सोहते आसे यू एफ कि माइनास टू एक्स हम माइनास सिक्स सोहते आसे यू एफ कि प्लास सिक्स हो जाए तुम लोग चुना एक्स स्क्वायर थे प्लास टू एक्स माइनास टू एक्स केन्सल जो वन प्लास सिक्स कि थे प्लास सेवेन इकुअल टू जिरो इतना यह समीकरण तो तुम लोग भल्क चुना यह समीकरण तो जो देखा पाँच एक्स स्क्वायर तो आसे एक्स स्क्वायर आसे एक्स स्क्वायरतक बेसि अर्थात एक्सर घाट तो दुईतको बेसि और ना तैयारीकरणटक आम कौ पार दीघात समीकरण कब पारिम इतना आम कि लिखीम ए एक्स स्क्वायर प्लास बी एक्स प्लास सी इकुअल टू जिरो अर्हित आसे जीहेतु ए अर्हित आसे हेतु कारणे हेतेके प्रदत्त समीकरण तो प्रदत्त समीकरण तो एटा एटा दीघात समीकरण है गति के आज आम इते शेष कर केनेके समीकरण एटा दीघात समीकरण है ना सब लगे आम गम पालू इयार पास तुम लोग अनुशीलन जीखिनि प्रश्न आसे अर्थात फोर पॉइंट वन जीखिनि प्रश्न आम नेक्स्ट क्लास सेखिनि करिबोले ट्राई करिम धन्यवाद।